अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, मेरा नाम है सैयद जैद तारिक और आप देख रहे हैं कराची मार्केट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो कोई मार्केट से रिलेटेड नहीं है और आज की वीडियो का आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। और ये मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स अभी आ रहे थे, काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि जैद भाई अपने व्लॉगिंग के सेटअप का टूर करवाएं, व्लॉगिंग सेटअप टूर करवाएं। तो मेरे पास ये काफ़ी कमेंट्स आए थे, मैं बोल रहा था करवा दूंगा, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा था, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्केट्स के भी ब्लॉग शूट करने के लिए जाना होता था। तो आज मेरे पास फाइनली मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा यार जो कमेंट्स आ रहे थे वो उस कमेंट्स पर भी वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आए थे। और एक भाई से मैंने लास्ट वीक भी बोल दिया था कि बस इस वीक आपको तीन चार दिन में ब्लॉगिंग सेटअप हुआ मैं अपना करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स, सबसे पहले वीडियो के नीचे यार रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस कर दें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद यहीं कहीं नीचे आ रहा होगा, और जब सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आते रहे। तो बढ़ते हैं अपने ब्लॉगिंग सेटअप की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपके पास आती है कि मैंने शुरू कहाँ से करा था, किस चीज़ से। मैं कैमरे से व्लॉग शूट करता हूँ, मोबाइल फ़ोन से व्लॉग शूट करता हूँ ज़्यादातर, तो आप लोगों को पता लग जाता होगा। जैसे कहीं शीशा आ गया कैमरा, कैमरे में जैसे मोबाइल्स के हम लोग दिखाते हैं, तो आप लोगों का अंदाज़ा हो गया मैं किस चीज़ से शूट करता हूँ। सबसे पहले मैं भाई बताता हूँ मैंने स्टार्टिंग किस मोबाइल से ली थी, मोबाइल से लोग व्लॉग शूट करना शुरू करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले मेरे पास आ जाता है ये मोबाइल, ये आप लोग इसका थीम देखें, ये आप लोग इसकी बैक देखें, समझ गए होंगे आप लोग ये कौन सा मोबाइल है। तो व्यूअर्स, ये है मोटोरोला का सबसे जो सेल होने वाला मोबाइल था पहले, ये है मोटो ई फोर। तो व्यूअर्स, मैंने जो स्टार्टिंग करी थी मोटो ई फोर से, अपने व्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू करे थे, और ये मोबाइल से मैंने काफ़ी काफ़ी मार्केट्स के व्लॉग बनाए, हर चीज़ मैंने बनाई। और ये मोबाइल जब मैंने लिया था तो ये मैंने 13,000 तक का लिया था, इसमें एक आता था पहले, इसको भी व्यूअर्स 2 से 3 साल हो गए, तीन साल हो गए व्यूअर्स इसको। ये मैंने लिया था 13,000 रुपये का, और इसमें एक आता था ये ड्यूअल सिम है, इसमें एक आता है सिंगल सिम, वो था 9 या 9,500 रुपये का। जब मैं ये लेके आया था तो मुझे लगा यार महंगा, जब मैंने बिल्कुल भी व्यूअर्स सोचा नहीं था मैं अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू करूँगा। पहले मैं गेम्स वगैरह की डालता था, वो तो मेरा एक छोटा ड्रॉइड रेजर है तो उससे मैं उसकी वीडियोज़ वगैरह बनाता था, वो कितना खास नहीं था। तो व्यूअर्स, जिस टाइम मैंने ये लिया था उस टाइम ये काफ़ी सेल होने वाला मोबाइल था, और मेरा सबसे पहला मोबाइल महंगा मोबाइल यही था। तो भाई मैंने इस मोबाइल से ब्लॉग में अपना चैनल शुरू करा, मार्केट्स के ब्लॉग बनाए, कार बाज़ार के ब्लॉग इससे बनाने शुरू करे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने ना माइक लिया, ना मेरे पास ट्राईपॉड था, हाल ही मेरे पास मोबाइल था, और हाँ ये मोटिवेशनल टाइप की भी थोड़ी कर देता। अगर आप लोग अपना चैनल शुरू करना चाह रहे हो और आप लोग सोच रहे हैं मेरे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई आप छोड़ दो। अगर आप लोग हाँ सच्ची करना चाह रहे हो, आप लोग बनना चाह रहे हो, तो आप लोग हाल ही यार ये मोबाइल है, इस मोबाइल का भी अभी भी मैं रिज़ल्ट बोलता हूँ बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग के पास ऐसा भी मोबाइल है ना, ऐसे भी हल्की क्वालिटी का मोबाइल है, आप लोग शुरू कर सकते हैं अपना चैनल। तो व्यूवर्स, इस मोबाइल को अभी मैंने कम से कम, ये मोबाइल मैंने यूज़ करा अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ, बंद कर रहे उस मोबाइल से अभी मैंने समझे, अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक, मैंने कोई कैमरा वगैरह नहीं लिया। तो व्यूवर्स, उस मोबाइल जिससे अभी आप लोग वीडियो जिससे बन रही है, वो मोबाइल अभी मुझे हुए हैं 9 से 10 महीने या 1 साल भी नहीं हुआ अभी, उससे पहले मैं इसी से बनाता था। तो व्यूवर्स, इससे मैंने जो अपने सब्सक्राइबर तकरीबन करे थे, सब्सक्राइबर जो मेरे 18,000 तक थे ना, वो मैंने इसी मोबाइल से अपने करे थे मोटो ई फोर से। और इसके बाद फिर मैंने अपने ब्लॉगिंग सेटअप में अपग्रेड कैसे करा उसके बाद व्यूवर्स, पहले मैंने कुछ भी नहीं लिया, लोग बहुत कुछ बोलते हैं आप लोग उसको इग्नोर करें, पहले मैंने ये मोबाइल लिया। फिर जब मेरा चैनल वगैरह मोनिटाइज हुआ मैं बोला थोड़ा सा खर्चा करता हूँ, तो व्यूवर्स उसके बाद मैंने लिया वायर वाला माइक। ये खैर अब तो ये मैं यूज़ नहीं करता, इसका पता नहीं ये गुच्छा बन चुका है, ये बोया का माइक था और ये इसका ये माइक होता है, इसके ऊपर एयर फिल्टर लगता है अगर आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा है, और ये इसके ये सेल वगैरह इसमें यहाँ पर डलते हैं, तो जाम भी हो गया पता नहीं। ये तो मैंने व्यूवर्स अभी जब मैंने नया मोबाइल लिया था इसी के साथ मैंने एक माइक भी इसके कुछ अर्से बाद ले लिया था। तो व्यूवर्स, इसमें सेल वगैरह लगता है, ये है इसका माइक। और व्यूवर्स, ये माइक मैंने इस वजह से अब यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि व्यूवर्स इसका एक तो वायर बहुत बड़ा आप लोग देख सकते हैं, और इस माइक का मसला सबसे ज़्यादा ये वायर बड़ा ये चीज़ों में अटकता है,
तो मेरे ख्याल से ये मैंने इस वजह से ही बंद करा था क्योंकि मुझे एक दफ़ा मेरा अटका तो उसके वास्ते उसकी वॉइस जो थी वो वॉइस में शोर आने लगा, या तो उसके तार ब्रेक हो गए या कुछ हुआ है। ये माइक भी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करा, उसके बाद मैंने माइक के बाद क्या लिया, बल्कि माइक के साथ ही मैंने लिया था। तो व्यूवर्स मैंने ये लिया था, ये ट्राईपॉड, इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं, एक ट्राईपॉड है, इसकी टांगे भी अब तो मुड़ चुकी हैं, खुल भी नहीं रही। व्यूवर्स ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, खुल गई व्यूवर्स, आप इसकी कंडीशन देखिए। इस ट्राईपॉड से मैंने काफ़ी टाइम बनाया, इसके तीन टांगे थी, एक टांग टूट गई, और यहाँ पे टेबल आया था क्योंकि इसमें बॉल हेड होता है, ये मूव करता रहता है, गिरता रहता था मोबाइल इधर उधर। मैंने यहाँ पे टेबल आके इसको एक जगह स्टिल कर दिया, और उसके बाद व्यूवर्स आते हैं कि इसके ऊपर मोबाइल कैसे लगता है। तो व्यूवर्स ये माउंट होता है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये होता है माउंट जो इसके ऊपर व्यूवर्स लगता है, यहाँ कहीं यहाँ ये यहाँ लगता है, इसके ऊपर ये माउंट लग गया, और ये माउंट व्यूवर्स दूसरा वाला है, इसके साथ जो आता है वो एक होता है मोबाइल ही, वो आपका खींचता है फिर लगता है। तो व्यूवर्स ये मोबाइल इसी वजह से फिर मैंने करा था कि मुझे लगने लगा था अभी ये हैंग हो रहा है, जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाई उसके बाद फिर मुझे लगा कुछ टाइम बाद ये हैंग हो रहा है, फिर मैंने दूसरा मोबाइल लिया है। जैसे कि मेरे कुछ जैक्सन के आप लोग वीडियोस वगैरह अगर आप लोग सर्च करें, उसमें एक दो वीडियोस ऐसी इतनी अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें जो कैमरे ने मतलब अपनी रेड लगवाई, हैंग वीडियो बनी। उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतर करी जाए, एक मोबाइल लिया जाए। तो व्यूवर्स ये फिर मैंने ये परचेज़ करा, फिर उसके बाद मैंने ये माउंट लिया, माउंट को भी इतना टाइम नहीं हुआ, जब मैंने नया मोबाइल लिया तो इसी वक्त मैंने ये माउंट लिया। और व्यूवर्स उसके बाद व्यूवर्स आती है मेन बात, ये तो इतना सा ट्राईपॉड है, बड़ा ट्राईपॉड कौन सा। तो व्यूवर्स मेरे पास बड़ा ट्राईपॉड ये था, जैसे कि आपने यह मतलब मोबाइल मार्केट्स में भी देखा होगा रखा हुआ। तो व्यूवर्स ये मैंने लिया था जो इतवार का बाड़ बाजार लगता है यूपी मोड़ पे, जिसके मैं ब्लॉग्स वगैरह भी आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर करे थे, अगर आप लोग ने नहीं देखे वहाँ पे काफ़ी सस्ते में आपको ये आइटम्स मिल जाएंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे आके आप ब्लॉग्स देख सकते हैं। तो प्राइस वो उस टाइम के लिए आ सकते थे, अब थोड़े हाई हो गए होंगे। तो व्यूवर्स ये मैंने लिया था 500 रुपीज़ का, और व्यूवर्स ये जब मैंने लिया था मुझे इतनी खुशी हुई थी। व्यूवर्स आपकी सोच है, मेरा मतलब पहला ट्राईपॉड था इतना बड़ा, ये बड़ा हो जाता है जैसे और यूट्यूबर्स ने भी लिया होगा, तो ये मतलब इतना बड़ा हो जाता है तो इसकी टांगों की रबड़ भी निकलने लगी है। इसमें व्यूवर्स ये प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा, ये मतलब अगर कहीं रखते थे ना, इस पर जोर डालते थे, इसकी यूँ टांगें चिर जाती थी। आपको दिखाता हूँ, अभी पूरा तो खैर नहीं आ रहा होगा, ये यूँ करके ना इसकी टांगें यूँ चिर जाती थी। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, मैंने फिर इसको व्यूवर्स रख दिया, इसको मैंने इतना यूज़ करा भी नहीं। सही है, इसको भी अभी मैं साइड में रखता हूँ, इसको भी मैंने व्यूवर्स इतना ज़्यादा यूज़ करा नहीं। उसके बाद मैंने बोला नहीं यार, इसी से जितने व्लॉग्स बनाऊंगा इसी ट्राईपॉड से बनाऊंगा, इसी से सब कुछ करूंगा। तो व्यूवर्स ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, ये माइक, ये मोटो E4 बोया का M1 माइक, मोटो E4, और ये ट्राईपॉड, और माउंट अलग से लिया। माउंट मतलब मैंने लिया था अभी, ये इस माउंट को मतलब 1 ईयर भी नहीं हुआ है, जब मैंने नया मोबाइल लिया था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो वो स्प्रिंग वाले एक माउंट आते जो खींच के लगता है, वो आपके मोबाइल की भी मतलब रेड लगा देता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है उससे। उस माउंट का अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको फेंक दो, 100 रुपये का मिलता है, और व्यूवर्स थोड़ा सा खर्चा करें आपको 350-400 रुपये का मिलेगा। ये बेहतरीन है, नट वाला माइक हो माउंट होता है, इससे आपका माउंट बड़ा होता जाता है, और इसमें आप मोबाइल अटकाएं नीचे नट टाइट करें आपका सही जाता है। ये माउंट आ गया व्यूवर्स, ये मैंने आपको चीज़ बता दी। सबसे मेन चीज़ आती है भाई, आप एडिट किस में करते हैं, जैद भाई आप एडिट किस में करते हैं, ये भी कमेंट्स आए थे। तो भाई एडिट मैं करता हूँ इस लैपटॉप पर, आप लोग ये लैपटॉप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स ये जो लैपटॉप है ये मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पुराना लैपटॉप है, और अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँ आप लोग भी हंसेंगे। तो इस पर तो ये मतलब ये एप्पल का लोगो सा बनाया हुआ, ये भी मैंने काफ़ी कम प्राइस में लिया था, और यह है कोटोडू। कोई मैंने मतलब हाई फाई लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मतलब लोग सोचते हैं यार आप यूट्यूबर हैं आपके पास अच्छा लैपटॉप होगा पीसी होगा, मैंने अभी तक कोई अच्छा पीसी कोई लैपटॉप वगैरह नहीं लिया। एक कोटोडू में, मैं इसी कोटोडू में एडिट करता हूँ। तो अगर आप लोग देख सकते हैं इसकी स्क्रीन भी गिर गई व्यूवर्स, इसकी स्क्रीन भी ये टूटी हुई है इसकी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादातर इसी पे मैं एडिट अब करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने और कोई मतलब कोई चीज़ मैंने नहीं ली है, इसी पे एडिट अच्छी हो जाती है। तो व्यूवर्स हाँ, इस पर लोगों को यकीन नहीं होता मैं इस पर एडिट करता हूँ। जब मैं अपना ये लैपटॉप सही करवाने गया एक शॉप पर, शॉप का नाम ये करीमाबाद पे थी, कौन सा मार्केट थी ये नहीं याद आ रहा, करीमाबाद पे एक मार्केट थी, उस पर मैं गया, उस पर मेरे सब्सक्राइबर की दुकान थी। अब मैं गया, वो मुझे पहचान गए, वो उन्होंने मुझसे बात बात करी, वो मुझे पहचान गए। तब जब मैंने उनको बोला भाई मुझे ये लैपटॉप है इसमें ख़राबी आ रही है, इसमें मतलब व्यूवर्स ये कोटोडू है, इसमें मैंने लगवाई हुई थी 6 GB रैम,
इसमें 6 GB रैम थी, और जब मेरी वो इसमें मतलब ख़राबी वगैरह आई, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है लिनोवो का, पता नहीं आर सीरीज़ करके लिखा, आप लोगों को कंडीशन याद देखें आप लोग इसकी, ये कितना मोटा है। मतलब तो स्लिम स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग वीडियोस भी बनाते रहते हैं, तो बस ये है मोटिवेशनल कि आप लोग आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एडिट कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लोग मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं। तो फिर व्यूवर्स मैंने ये जब सही करवाने के, वो बोले तुम इससे एडिट करते हो, बोला हाँ, बोले कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो, जब मैंने सॉफ्टवेयर का नाम बताया बोले हो ही नहीं सकता, मैंने उनको चला के इसमें दिखा दिया, वो हैरान, बोले यार तुम इसमें कैसे कर लेते हो। बस जब आप लोग यूट्यूब के उसमें आते हैं कम रेंज से आप लोग स्टार्ट करते हो, तो आप लोग को मतलब रास्ते अल्लाह ताला के लिए बनाते आते हैं, तो उनको भी हैरत हो रही थी ये सॉफ्टवेयर तुम इस कोडोडो इस इतने पुराने लैपटॉप में तुम चला रहे हो। इसकी आप लोग कंडीशन देखें इसकी, इसका मसला यही है इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई व्यूवर्स, अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँ, इसके कुछ बटन्स भी गायब हो गए। तो अभी मुझे लेना तो है नया लैपटॉप, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है। तो ये है मेरे लैपटॉप जिससे मैं एडिट करता हूँ, इसमें अब मैंने 6 GB रैम लगी हुई है, पहले 6 GB रैम थी, जो ख़राबी हुई थी वो रैम की ख़राबी थी, उन्होंने बोला इस पर काफ़ी लोड पड़ रहा है, या तो तुम नया ले लो। तो अभी मैंने नया लेने का कोई लैपटॉप लेने का भी सोचा नहीं है, लूँगा लेकिन थोड़ा आगे जाके। सही व्यूवर्स, इससे मैं अभी अभी तक जितनी भी एडिट करता हूँ इसी लैपटॉप से मैं करता हूँ, 6 GB रैम है और मतलब 120 GB के इसमें हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव भी कोई ज़्यादा क्योंकि इसमें डलवाई नहीं है, क्योंकि व्यूवर्स इतना पुराना लैपटॉप है, इस पर अगर मैं इसकी जो ये स्क्रीन वगैरह टूटी, बटन वगैरह, मैंने पूछा था बोले भाई ये कितने में लगेंगे, बोले यार इस पर तो फजूल है, 3,000 रुपये का खर्चा, वो 2,000 रुपये का इसमें खर्चा आ जाएगा। मैं बोला 2,000 रुपये का खर्चा कौन कर रहा है इतने पुराने इसमें। सही है, तो व्यूवर्स ये भी आप लोग को थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अभी जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, कौन सा मैं कैमरा मतलब कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी लगाते हैं ये मोबाइल, ये ट्राईपॉड, और वो आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स अभी मैं बना रहा हूँ मोटो E4, सर मोटो E4 का अभी तक अगर आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं तो E4 का इस तरह का रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूँ यार E4 का भी अभी तक बेहतरीन रिजल्ट है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो व्यूवर्स ये मोबाइल है जिससे मैं अब व्लॉग शूट करता हूँ, तो आप लोग गैस करें कौन सा मोबाइल होगा। ये मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं ये सब मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ मार्केट के, आप लोग गैस करके बताएं। अभी मैं बेड पे ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे अभी मैं टेबल पे वीडियो बैठ के बना रहा था मेरी हिम्मत नहीं, तो मैंने बोला यार जल्दी से बनाता हूँ बेड पे बैठ कर। तो ये मोबाइल है, आप लोग गैस करें, पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूवर्स ये मोबाइल है, और ये मोबाइल के भी मैं बताते हैं मैंने कितने का लिया है, और ये आप लोग व्यूवर्स इसके कवर की आप लोग हालत देख सकते हैं, आप लोग इसका कैमरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कवर की हालत ये इस वजह से हो गई। ये मैंने अभी मतलब कितने 4-5 दिन पहले की बात है, इसका एक कवर निकल गया था इस तरह, मैंने यहाँ पर एल्फी लगाई और एल्फी फैल गई, कवर की मतलब फुल टाइम रेड़ लग गई। अभी मुझे कवर भी चेंज करवाना है, और इसके प्रोटेक्टर व्यूवर्स प्रोटेक्टर मैंने अभी अभी चेंज करवाया है, मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसका ही मैंने प्रोटेक्टर चेंज करा, वरना इसका प्रोटेक्टर भी टूट गया। तो व्यूवर्स अगर आप लोग यूट्यूब पे उसमें आना चाहते हैं ना, तो आप लोग ये नहीं देखिए यार मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, अगर आप लोग ये सब करना है तो आप लोग छोड़ दें, आप लोग यूट्यूब पर मेहनत नहीं करें, फजूल है। सही है, तो आप लोग हल्के हल्के आगे बढ़ें। अभी मतलब मेरे पास इतनी रेंज है, अगर मैं चाहूँ तो एक कैमरा भी ले लूँ, ट्राईपॉड भी एक अच्छा ले लूँ, माइक भी एक अच्छा वायरलेस ले लूँ, और एक लैपटॉप ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रहा भाई। आपका भी तक जिससे काम चल रहा है आप यार उससे चलाओ, सही है, फजूल में आप फजूल की खर्चे मत करो। अभी भाई अगर आप लोग ये देख सकते हैं, लोग मुझे बोलते हैं यार तुम्हारे इतने ज़्यादा माशाल्लाह से सब्सक्राइबर हैं, 58,000 तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, और तुम मतलब 58 तो अभी हुए हैं, तो मतलब 57 तक लोगों ने बोला अरे तुम मोबाइल से बनाते हो। हाँ यार मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि अगर व्यूवर्स जितनी मेरी रेंज है ना, उस हिसाब से व्यूवर्स मोबाइल के कैमरे रिजल्ट बेहतर है, उस हिसाब से अगर कैमरा मैं लेने जाता हूँ मिलने, लेकिन पर कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल में व्यूवर्स इतने फीचर्स आ गए, इतने मेगापिक्सल के मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस मोबाइल फ़ोन से शूट करता हूँ। आप लोग बताएं कौन सा मोबाइल फ़ोन होगा, कैमरा भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ये इसका कैमरा डिज़ाइन है, आप लोग इससे आइडिया करें कौन सा मोबाइल फ़ोन होगा। प्राइस मैं आपको इसके बता देता हूँ, ये मैंने लिया था व्यूवर्स जब मैंने लिया था, ये मैंने 22,000 रुपये का लिया था, 22 से 22,500 रुपये का लिया था, और इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ये 1 साल होने वाला होगा इसी के करीब करीब है ये मोबाइल आ गया व्यूवर्स। इस मोबाइल से अभी रिसेंट जो मैं व्लॉग शूट करता हूँ इस मोबाइल से करता हूँ, और जो अभी आप थोड़ी देर पहले जिसमें मैंने ये मोटो E4 वगैरह दिखाया था, वो भी मैंने इसी मोबाइल से व्लॉग वीडियो शूट करी थी। तो इसका मैं आपको अगर कैमरा रिजल्ट थोड़ा सा खोल के दिखा दूं, तो अभी मैं अपने बेड पे ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ व्यूवर्स।
तो व्यूवर्स, ये इसका कैमरा रिजल्ट है। सही है, इस मोबाइल से मैं वीडियो सभी बनाता हूँ। सही है व्यूवर्स, ये मोबाइल फ़ोन हो गया और अभी तक मैंने कोई कैमरा यूज़ नहीं करा। उसके बाद व्यूवर्स आती है बात कि भाई जैद भाई, जब आपने ये वायरलेस माइक छोड़ दिया तो अब आप, और हाँ मोटो ई फोर का ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही कवर लिया था, क्योंकि मोटो ई फोर ऐसे डॉज में पड़ा था। मैंने बोला नहीं यार, अब इसको भी यूज़ करना चाहिए, मतलब कॉलिंग वगैरह के लिए मोटो ई फोर भी यूज़ करता हूँ और बाकी सब व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब इसी में यूज़ करता। सही है, मोबाइल हो गया, इससे मैं बनाता हूँ। अब बात आती है भाई, जब आपने ये माइक छोड़ दिया, अब आप कौन से माइक से बनाते हैं? तो व्यूवर्स अब आता है ये माइक, और व्यूवर्स ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। लोग बोलते हैं भाई यार ये क्या है, जब किसी मार्केट में लोग बनाने आऊँ ना, लोग बोलते हैं यार ये क्या है, लोग कोई बोलता है ये कैमरा है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है, भाई तो ये है माइक। माइक मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा माइक है क्या है। तो व्यूवर्स ये माइक है, ये भी मैंने लिया था, मतलब ये इसके नीचे, तो ये चीज़ अलग से मैंने ये लगाई है, और अभी अगर ये निकल जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ व्यूवर्स ये किस तरह का माइक है। जब तक आप लोग थोड़ा सा इस पर मोबाइल रखता हूँ। हाँ तो व्यूवर्स देखें, ये माइक है टोटल, ये मैंने ये माइक लिया, ये बोया वालों का माइक है, और इसकी कीमत भी अभी मैं आपको बताता हूँ। बोया का माइक आ गया ये व्यूवर्स। जब मैंने ये मोबाइल लिया था, ये मोबाइल, तो इसमें मैंने वायर वाला लगाया, वायर वाला मुझे लग रहा था शायद मोबाइल की वजह से, मोटो ई फोर की वजह से ख़राब हो रहा है, लेकिन जब मैंने ये मोबाइल लिया, इसमें मैंने कुछ दिनों यूज़ करा लेकिन नहीं चल पाया। मैं बोला नहीं यार, वॉइस क्वालिटी थोड़ी बेहतर करी है, तो व्यूवर्स मैंने ये माइक ले लिया। और ये माइक जब मैंने लिया था, जब भी मैंने 4,500 रुपये का लिया था। सही है, ये होता है माइक, ये शोटगन माइक कहलाता है, और ये काफ़ी, इससे अगर आप लोग लुक देखें, इससे काफ़ी लुक अच्छा लगता है। तो इसके नीचे मैंने नट वट लगा के ये सब चीज़ें खरी में, ये माउंट वगैरह में इजीली लग जाता है। आपको माउंट भी दिखा देता हूँ, बल्कि ये ट्राईपॉड तो थोड़ा वैसा है, ये आपको थोड़ा, ये माउंट यूँ करके लग जाता है, इसमें ट्राईपॉड लग जाता है और ये माउंट लग जाता है, इसमें माइक ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप लोग मेरी मतलब मोबाइल्स वगैरह की वीडियोज़ में देख सकते हैं, आपको माइक नज़र आ रहा होगा कैम माइक, वो मतलब मोबाइल के ऊपर। तो ये माइक आ गया। तो व्यूवर्स हाँ, अभी अगर आप लोग मेरी रिसेंट वीडियो देख रहे हो, उसमें वॉइस क्वालिटी आपको थोड़ी अच्छी लग रही होगी। तो व्यूवर्स, जब ये मैंने माइक लिया था, और ये मैंने माइक ऑनलाइन मंगवाया था पिछले साल, जब लॉकडाउन वगैरह नहीं था, बकरीद के बाद की बातें, जब मैंने ये माइक मंगवाया था, तो मार्केट्स वगैरह ऑफ थी, मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था, नाम नहीं लूँगा, किसी सदर की दुकान से ही मंगवाया था। तो व्यूवर्स ये माइक तो आ गया, अच्छा था, और मुझे पता नहीं था यार, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मैंने माइक यूज़ करा था। तो व्यूवर्स, इसमें जो माइक का मसला था वो था ये माइक के वायर, जो वायर होता है ना व्यूवर्स, ये मेरा ख़राब था। तो व्यूवर्स अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना ये नया वायर लिया है, तो अब जो आप लोग वॉइस क्वालिटी देख रहे होते हैं, तो वॉइस क्वालिटी अब आप लोग को बेहतरीन लगती होगी, तो वो इस माइक की वजह से, वायर की वजह से हुई। माइक मेरा बेस्ट है, बस वायर ख़राब था, वायर मैंने लिया, बाकी सब ये बेहतरीन हो। तो व्यूवर्स इसके बाद आते हैं, ये मैंने ट्राईपॉड लिया, ये माइक, बल्कि ये माइक हो गया नया। तो ये माइक का मैं अगर आपको कवर दिखाऊं व्यूवर्स, ये शॉटगन माइक होता है, इसका एयर फिल्टर होता है। भाई मैंने ट्राईपॉड पे लाया व्यूवर्स, माइक जो होता है वो रियल ये होता है, इसके ऊपर व्यूवर्स ये बाकी ये सब, ये इसका कवर लगता है, माइक की जो कंडीशन है ऊपर से आप लोग देखें नया नया है, और जो इसका ये एयर फिल्टर कहलाता है, तो व्यूवर्स ये काफ़ी मैला हो गया, मतलब चिपके चिपके हो गया, अजीब सा, जैसे कुछ दिन आप नहीं नहाओ तो आपके बाल नहीं हो जाते चिपके चिपके, उस तरह इस माइक की कंडीशन हो गई है कवर की, और इसको धो भी नहीं सकते। मैंने बोला धोने से कुछ हो नहीं जाए, ये माइक हो गया। सही है व्यूवर्स, इसके बाद आती है ये ट्राईपॉड है। अब आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं जैद भाई? तो व्यूवर्स अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ट्राईपॉड, व्यूवर्स अब मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ट्राईपॉड। और अगर इसके आप लोग वेट की बात करें, तो व्यूवर्स ये होगा मतलब तकरीबन 4, 3.5 से 4 किलो का ये ट्राईपॉड है, ये काफ़ी हैवी ट्राईपॉड है, आप लोग को लग नहीं रहा होगा। ये भी मैंने सदर से ही लिया है, लेकिन मैंने व्यूवर्स ये यूज्ड में लिया था, अभी इसको टाइम हुआ है, मतलब ये मैंने लिया था जनवरी, जनवरी या फेब में लिया था ये मैंने। तो व्यूवर्स इतना ट्राईपॉड है ये ना, इसमें ये काफ़ी बड़ा हो जाती है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है व्यूवर्स। अभी मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये भी खुल भी नहीं रहा अभी व्यूवर्स, ये काफ़ी, मतलब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है ये ट्राईपॉड, ये मतलब फुल साइज़ का ट्राईपॉड है ये मैंने लिया था व्यूवर्स। इसकी मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ, मैं हल्का हल्का मैंने ख़र्चा करा है, ये मैंने माउंट लिया मतलब 4,000 रुपये का, ये मैंने माउंट बोल रहा हूँ ट्राईपॉड लिया, ये यूज़ में लिया तो इतना महंगा, वरना अगर ये नया लेने जाए तो काफ़ी महंगा है। तो मुझे ये यूज़ में अच्छा मतलब ट्राईपॉड मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया। ये आप लोग इसकी कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, यूज़ में, यूज्ड अब की ये काफ़ी हो गया, मतलब इतनी इसकी कंडीशन ख़राब वराब नहीं थी, तो अगर मैं इस पर स्प्रे करूँ तो बिल्कुल नया हो जाएगा। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का ये इसकी कंपनी, आप लोग देखें हाकुबू ऐसी कुछ कंपनी का नाम है। ये माउंट है, ये माउंट आ गया, ये ट्राईपॉड आ गया, माउंट भी व्यूवर से मेरे पास दूसरा है, ये वाला माउंट दूसरा था, कहाँ है, जिस पर भी मैंने मोबाइल आके बना रहा हूँ, मैं माउंट ढूंढ रहा हूँ।
सो ये माउंट मैंने इसी इसके साथ लिया था। तो व्यूवर्स यही थी आज की वीडियो। अब मैं अपना फ्रंट कैमरा खोल लेता हूँ। व्यूवर्स ये थी आज के मोटिवेशनल वीडियो और अपने ब्लॉगिंग सेटअप टूर मैंने अपना करवाया। तो बस आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द मैं अपना सेटअप को अपग्रेड करता चला हूँ। मैं अभी इस वजह से व्यूवर्स नहीं कर रहा भाई, आपका जिस चीज़ से भी काम अच्छा चल रहा है ना, आप उस चीज़ से काम चलाओ, फजूल में आप अभी खर्चा ना करो। तो मैं लूँगा हल्के हल्के, मैं करके अपग्रेड करूँगा। जैसे अभी मैंने ये मोबाइल लिया था तो अभी मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं लूँगा भाई, चल रहा है। माइक लिया था, माइक बिल्कुल वीआईपी चल रहा है। ट्राईपॉड लिया था, ट्राईपॉड तो अभी इतना टाइम भी नहीं, ट्राईपॉड भी वीआईपी चल रहा है। तो भाई अगर कोई ये हो रहा है यार मोबाइल 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 से बनाता, हाँ भाई अगर आप भी मोबाइल से बना रहे हो, कोई आपको बोला तो आप बोला हाँ भाई मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। सही है, आज मैंने आप मोबाइल कैमरा गिफ्ट कर दो, आप ये बोल दो आप कैमरा गिफ्ट कर दो, बंदा एकदम चुप हो जाएगा। सही है, हम मोबाइल से बना रहे हैं, हाँ भाई मोबाइल से बना रहे हैं। माशाल्लाह से आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही ये मोबाइल से मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूँ। माशाल्लाह से अब मेरे 58,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मैं। और भाई और मेरा ये लैपटॉप, जिसकी कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, बैटरी तक इसकी नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। इससे मैं मतलब ये बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई अभी इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मैं लैपटॉप अपग्रेड करूँगा पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। सही है, हल्की हल्की चीज़ अपग्रेड करूँगा। कैमरा भी मतलब जो मेरी रेंज है उसमें कैमरे आ रहे हैं, DSLR कैमरा आ रहा है, वीडियो कैमरा आ रहा है, पर क्वालिटी उसकी मज़ेदार नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जब एक साथ पैसा लगाऊँ ना, इसमें लगा रहा हूँ कम प्राइस में मिल तो रहा है लेकिन चीज़ बेकार है भाई। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो आप एक थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लाएँ, अच्छी चीज़ आ जाएगी। जब तक आप ऐसी चीज़ से मोबाइल से वीडियो ब्लॉग शूट करें, इस माइक से वायरलेस वगैरह माइक, तो व्यूवर्स ये भी वायरलेस माइक ही कहलाता है। सही है इसके, क्योंकि इतना सा वायर होते हैं बस आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। इसकी वॉइस क्वालिटी अब आप मेरी रिसेंट वीडियोस में देख सकते हैं, वॉइस क्वालिटी इसकी बेहतरीन है। तो अभी जो मैं अभी जो ये आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल से ही फोर्स, इसमें कोई माइक वगैरह नहीं लगाया भाई, ऐसे एज इट इज़ जो मोबाइल का माइक होता है उसी से व्लॉग बन। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स जल्द से जल्द अपने अपने भाई के 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, 100K पे मैं ज़रूर गिव अवे करूँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।